एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंचल ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेके। सो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है हेयर सीरम के ऊपर, और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा सीरम है, और इसके पूरी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, किस तरह से अप्लाई करना चाहिए अपने बालों में, मैं सब कुछ आपको डिटेल से बताऊँगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो आती उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि मैंने मतलब जो मैं आज हेयर सीरम के बारे में बात कर रही हूँ उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या फ़ायदा है उसका। तो प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक थम्सअप जरूर दें, और साथ में वीडियो को शेयर भी करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस सीरम की बात कर रही हूँ वो है लिवॉन का एंटी फ्रीज सीरम। ये देखिए, आपको थोड़ा करीब से दिखा दूँ, ये देखिए, आज मैं इस सीरम की बात कर रही हूँ। ये लिवॉन एंटी फ्रीज सीरम फॉर ऑल हेयर टाइप्स, गो फीस फ्री सैलून स्मूथ अल्ट्रा ग्रोसी हेयर डैमेज प्रोटेक्शन विथ विटामिन ई। ठीक है, आप जब भी ये वाला सीरम मतलब कहीं से भी लेते हो, ऑनलाइन या मार्केट में भी आपको इजीली मिल जाएगा या आराम से मिल जाएगा, और तो जब भी आप इसको लेते हो तो आप जब इसको ट्राई करोगे तो खुद इसका रिज़ल्ट जो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं भी इसको लगाती हूँ, बट मैं मतलब कभी कभी ही यूज़ करती हूँ, हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार, मतलब बहुत ज़्यादा मैं ट्राई नहीं करती। और मैं ऐसे तेल भी यूज़ करती हूँ, साथ में इसको भी ट्राई करती हूँ। जब इसको ट्राई करती हूँ तो तेल नहीं डालती, और जब तेल डालती हूँ तो इसको ट्राई नहीं करती, क्योंकि जब हम सीरम को अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो हमें तेल अपने बालों में अप्लाई नहीं करना चाहिए। और बात करूँ मैं इसकी पैकिंग की, तो पैकिंग बहुत सही है, प्लास्टिक की बोतल में है, और ये इसकी कैप है, और ये यहाँ से ये पिंक कलर का है, और यहाँ से नीचे ये वाइट कलर की बोतल है, और ये बहुत अच्छी पैकिंग है इसकी। और प्राइस की बात करूँ तो प्राइस इसका 170 रुपीज़ है। मतलब हो सकता है कि आपको ये ऑनलाइन शॉपिंग पे आपको ये थोड़ा सस्ता मिल जाए, बट मुझे ये मार्केट में 170 का मिला है। ऐसे थ्री मतलब इसकी जो एक स्मॉल साइज़ में भी आती है, एक ये मीडियम साइज़ में आती है, एक थोड़ा इससे बिग सॉरी जो इसका बड़ा साइज़ होता है उसमें आती है। तो मतलब ये जो वो मीडियम है, ठीक है, तो ये 170 का है, और जो स्मॉल होगा वो आई थिंक 100 तक मिलता होगा, जो बड़ा साइज़ होता होगा वो शायद मतलब 200 या 250 तक होता होगा। और मैंने ये मीडियम साइज़ का लिया है तो मुझे बहुत सही प्रोडक्ट लगा ये। जब मैं इसको ट्राई करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, और साथ में इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो इसमें विटामिन ई है, ठीक है, तो विटामिन आपके बालों में, बालों के लिए, आपके फेस के लिए, आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो वो अच्छा ही होता है, तो विटामिन आपके बालों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। साथ में इसको यूज़ करने से क्या होगा कि आपके जो बाल हैं बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे, सिल्की स्मूथ मुलायम लगेंगे, और जो आपके बालों में जो आपके बाल डैमेज हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ये, मतलब डैमेज होने से बचाता है ये, आपके बालों को टूटने से बचाता है। जो हमारे जो बाल हैं वो आमतौर पर ऐसे ही टूटते रहते हैं, जो उसको प्रोटेक्ट करता है ये, आपके बालों को टूटने से बचाता है, और साथ में आपके बालों को बहुत सुंदर सा मतलब एक शाइन देता है आपके बालों में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके बालों को ग्रोथ होगी या बिल्कुल नहीं टूटेंगे आपके बाल, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके बालों की ग्रोथ जो वो जो ग्रोथ है वो तो नहीं होगी, जो है वही रहेगी। इसको लगाने से ये नहीं कि आपके बालों की ग्रोथ होगी, बट ऐसा नहीं है, और बट ये है कि शाइन वगैरह ये आपके बालों में अच्छे से देगा, और साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी ठीक है। और साथ में मुझे तो बहुत सही लगा ये, और इसकी पूरी डिटेल भी यहाँ पे पीछे दी हुई है, जब आप इसको लोगे तो इसकी यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, और साथ में इसको कैसे ट्राई करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और फ्रेंड्स, इसको ट्राई कैसे करना है कि जब आपने बालों को अपने वॉश किया है, शैम्पू से वॉश किया, किसी चीज़ कोई भी शैम्पू आप यूज़ करते हो, उसके बाद आपको तुरंत जो सीरम है हेयर सीरम वो नहीं लगाना है, आपको ये हल्के गीले बालों में ही लगाना है। मतलब सूखे बालों में भी नहीं लगाना और ज़्यादा गीले बालों में भी नहीं लगाना। जैसे अभी मेरे बाल देखो हल्के गीले हैं, तो आपको इस टाइप के ही इसमें लगाना है,
मेरे बाल जो वो ना तो ज़्यादा गीले हैं ना ज़्यादा सूखे हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में ही आपको अपने बालों में ये जो सीरम है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको कैसे कैसे यूज़ करना वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आपको ये अपने हाथों में लेना है, ये देखिए, इस तरह से लेके फिर बस इस तरह से अपने हाथ में रब करें, फिर हल्के हल्के आप इस तरह से ऐसे करें, फिर मतलब अपनी बालों की जड़ों से लेके नीचे तक इस तरह से लगाना है, इस तरीके से। इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से। बस इस तरीके से लगा के आपको अपने बालों में अच्छे से कॉम्ब कर लेनी है, ताकि जो ये सीरम है वो अच्छे से लग जाए आपके बालों में, अच्छे से अप्लाई हो जाए आपके बालों में। तो आप जब भी सीरम को लगाओ तो उसके लगाने के बाद अपने बालों में कॉम्ब कर लो, तो आपके बाल बिल्कुल सही हो जाएंगे, अच्छे से ये आपके बालों में लग जाएगा। और जो आपके बाल क्या होता है कि वॉश करने के बाद ना हमारे बालों में अच्छे से कॉम्ब नहीं होती है, तो इसको लगाने से आपके बालों में अच्छे से कॉम हो जाएगी, आपके बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम से ये छुटकारा मिल सकता है। और आप इसको हफ्ते में एक बार भी यूज़ कर सकते हो या दो बार भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप तेल यूज़ करते हो तो तेल भी आप लगवा सकते हो, बट मैं आपको यही एडवाइस दूँगी कि एक बार आप ये लिवॉन का हेयर सीरम ट्राई करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इससे पहले ट्रेस्मी का भी जो हेयर सीरम है वो यूज़ किया, बट वो मुझे कुछ खास नहीं लगा, बट मुझे ये वाला लिवॉन का अच्छा लगा। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी मुझे, जब आप अपने बालों में अप्लाई करते हो तो आपके बालों से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है, और मुझे तो बहुत सही प्रोडक्ट लगा ये। और हाँ, ये लिवॉन का जो प्रोडक्ट है ये वाला भी थोड़ा महंगा होता है, बट आपके बालों के लिए अच्छा है ये, तो आप इसको ट्राई करो एक बार। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा ये वाला प्रोडक्ट लिवॉन का। सो फ्रेंड्स, आज जो मेरी वीडियो थी वो यहीं तक थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती रहूं। सो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।